नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार हमलावर रुख एक्तियार किए हुए हैं। फिर चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो या पेगासस जासूसी का मामला, हर मुद्दे को वो केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। इस बार राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को निशाने पर लिया और कहा है कि देश में टैक्स की अंधाधुंध वसूली की जा रही है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा, सब सामान महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान है, लेकिन क्या इसका थोड़ा भी फायदा छोटे उत्पादक, दुकानदार या किसान को हो रहा है? नहीं, क्योंकि यह महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने संसद में जारी हंगामे को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करे। मोदी सरकार विपक्ष को यह काम नहीं करने दे रही। बता दें कि पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से मानसून सत्र आरम्भ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा, तो वहीं सरकार ने पेगासस जासूसी के दावे को खारिज कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।